पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन का चल रहा प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करनाल के लघु सचिवालय के सामने जारी है, जिसमें प्रत्येक दिन प्रदेश के एक जिले से आकर कर्मचारी यहां पर अपना रोष व्यक्त करते हैं। उसी कड़ी में आज यहां यमुनानगर से भारी संख्या में कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन द्वारा रखी गई मांगों को पूरा नहीं कर रही, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है, जिसके चलते यहां पर लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पीडब्ल्यूडी विभाग को निजी हाथों में सौंपने जा रही है, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है। वही कर्मचारी नेताओं ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग के साथ साथ अन्य मांगों को भी पूरा करने की सरकार से गुहार लगाई। हम आपको बता दें कि पिछले काफी समय से पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी करनाल के लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दिन कोई न कोई हर जिले से कर्मचारी यहां पहुंचकर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। यहां हम आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले करनाल में एक विशाल प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद निर्णय लिया गया था कि सीएम सिटी में प्रत्येक दिन एक जिले से आकर कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए यहां पर अनशन करेंगे, जिसके चलते आज यमुनानगर के बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने पहुंचकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया है। 14 तारीख की हमारी स्टेट की रैली थी और उसमें हमने सीएम का खुद किया था वहाँ आवास पर, और एसडीएम जो अपना इंद्री के थे उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि हम आपकी बातचीत 21 तारीख को सीएम से करा देंगे, और आज तक कोई अधिकारी ना आने का हमारे को ये नहीं कहा भैया आपकी बातचीत हम फलाने दिन करे जाएंगे। जो डिमांडे हैं, जैसे हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करा जाए, 15 साल से ट्रमा पेंटी कर्मचारी हमारे जो 15 साल से ना वो कच्चों में है ना पक्कों में है, किसी का भी कोई उसका हल नहीं है कहीं भी, तो उनको पक्का करा जाए। ये हमारी जो समस्या है, जो नगर निगम को अपनी सप्लाई दी गई है उसको वापस पब्लिक हाथ में करा जाए, नहीं तो अपने पूरे जेजीएम के तहत जो गांवों की सप्लाई है हमारी वो भी सरपंचों को चली जाएगी, और जो पब्लिक हेल्थ का कर्मचारी है इरीगेशन का बीएनडीआर का है बीएनडीआर में इरीगेशन में पब्लिक हेल्थ में सारा ठेकों में काम दिया जा रहा है, तो इतना चीज वापस नहीं होती। हमारा धरना जारी रहेगा। कब से रखा गया है ये? हमारा 15 तारीख से धरना शुरू हो गया था, लगातार जारी रहेगा। आपका कोई भी स्टेट कमेटी जो फैसला ले होगी उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार करी जाए। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं, किन मांगों को लेकर आए हैं, क्या चाहते हैं? ये आज जिला यमुनानगर धरना दे रहा है। जो हमारी समस्या है काफ़ी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करना, प्रणव ओवेंटी हैं जो ये थोड़े थोड़े पैसे में काम कर रहे हैं इनको पक्का नहीं करा जा रहा, समान काम समान वेतन नहीं दिया जा रहा। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फैसला करा था कि समान काम समान वेतन दिया जाए, सरकार उसके विरोध भी काम नहीं कर रही। हमने धरने प्रदर्शन भी करे, भाई समान काम जब तक पक्का न किया जाए इनको समान काम समान वेतन दिया जाए। तो आज कहाँ से आए हैं आप? आज जिला यमुनानगर से आए हैं, यहाँ पर ये धरना है। आज अलग अलग जिले से यहाँ से हर दिन धरना चल रहा है। कितने दिनों से बैठे हैं आप? ये यहाँ पर 15 तारीख से बैठे हैं। 14 तारीख की हमारी रैली थी यहाँ घराव था, मुख्यमंत्री के पास गए वहाँ आवास पर, और उन्होंने 21 तारीख का टाइम दिया था, लेकिन 21 तारीख की कोई बातचीत का लेटर नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो हमारी समस्या हल हो उसमें कोई लेटर नहीं आया सरकार का। क्या नाम आपका? मेरा नाम सतीश राणा, राज्य प्रधान हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक